नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल है। यह बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर की जा रही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही है। वहीं इस बैठक में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बनाई गई समिति के सदस्यों और यात्रा मार्ग के अंतर्गत आने वाले जिलों के वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग चर्चा की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जूम के माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी के लिए बैठक से जुड़कर समितियों के सदस्यों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ के शामिल होने को राजनीतिक हलके में उनके यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले कमलनाथ को लेकर इस तरह के अटकलें चल रही थी कि वो कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी खुद हामी नहीं भरी, लेकिन अटकलों का बाजार उस वक्त गर्माने लगा जब कमलनाथ ने ऐसी किसी खबर से इनकार भी नहीं किया। इस बीच कमलनाथ को भाजपा में शामिल करने के आलाकमान के फैसले के खिलाफ भाजपा नेताओं ने विरोध का झंडा उठा लिया। दिल्ली के सिख भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कमलनाथ को सिख दंगे का आरोपी बताते हुए उन्हें पार्टी में शामिल करने का विरोध किया था।